ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का मजा ही कुछ और होता है, और खासकर जब वर्ल्ड कप का मैच हो तो फिर सोने पर सुहागा। मौज मस्ती, पार्टी, शोर शराबा, यूनिक स्टाइल में अपनी टीम को सपोर्ट करना, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए पागलपन, ये सब कुछ सिर्फ स्टेडियम में ही देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में आपको कुछ नियमों को मानना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए 7 साल के लिए कैद की सजा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वे कौन सी शर्तें हैं जिसको मानना लाजमी है, तो चलिए आपको बता देते हैं। असल में कतर में सेक्स को लेकर कड़े नियम हैं। पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ सहमति के साथ भी सेक्स करना गैर कानूनी है और इसके लिए कड़ी सजा बनाई गई है। इसलिए कतर आने वाले सिंगल्स अगर किसी के साथ सेक्स करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यही नहीं, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में रह रहे कपल पर भी यही कानून लागू होता है। रूल्स ना मानने वाले दर्शकों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 साल की जेल की हवा। आपको बता दें कि इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर कर रहा है। कतर ने अपने यहाँ आने वाले फुटबॉल फैंस को चेतावनी दी है कि इस साल के फुटबॉल वर्ल्ड कप में वन नाइट स्टैंड पूरी तरह से बैन होगा। अगर कोई इसमें शामिल पाया गया तो वो 7 साल तक सलाखों के पीछे जा सकता है। डेली स्टार ने कतर पुलिस के हवाले से बताया कि अगर आप पति पत्नी के रूप में आ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस रूप में नहीं आ रहे हैं तब सेक्स करना आपके लिए खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। यही नहीं, इस साल के वर्ल्ड कप में पहली बार अनिवार्य रूप से सेक्स प्रतिबंधित है। शोर शराबे वाली पार्टी पर भी बैन है। आपको बता दें कि मैच के बाद शराब पीना, पार्टी करना वर्ल्ड कप में फैंस का ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार कड़े नियम लागू किए गए हैं क्योंकि कतर में बिना शादी के सेक्स और समलैंगिकता गैर कानूनी है। इसलिए अगर आप इस बार का फीफा वर्ल्ड कप देखने कतर जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन मैच देखने के अलावा आपके दिमाग में मौज मस्ती भी चल रहा है तो फौरन उसको काबू कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है।